हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। यूपी के बरेली में जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन बरेली की टीम द्वारा आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें माल्य अर्पण कर याद किया गया। जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की बरेली के टीम समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा भी माल्य अर्पण कर आयोजन में प्रतिभाग लिया गया। आयोजन में सभी पदाधिकारियों द्वारा आम, नीम, गुलहड़, अशोक, गुलाब, तुलसी आदि अनेक प्रकार के पेड़ पौधे का वृक्षारोपण किया गया। संबंधता फहीम अहमद। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आप लोग यहां पर वेलफेयर एसोसिएशन के सारे लोग मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष पवन त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय महासचिव अनुराग जी, जिला अध्यक्ष देवेंद्र पटेल जी, आज सारे लोग उपलब्ध हैं। तो गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आज कैसा संदेश देना चाहते हैं जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को? आज जनपद बरेली के अंदर जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के समस्त पत्रकार लोग यहाँ मौजूद हैं गांधी उद्यान में। यहाँ पर हम लोगों ने गांधी जी की जयंती मनाई, साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी को भी माल्य अर्पण कर याद किया, क्योंकि देश के जो लोग हैं जिनके द्वारा देश की आज़ादी में बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उन लोगों को याद करना हम लोगों का कर्तव्य है। इसलिए आज 2 अक्टूबर के दिन हम लोगों ने उनको सभी को याद किया। उनके अलावा साथ में हमारे पत्रकार की समस्त टीम द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जिसमें नीम के, आम के और कुछ फल वाले, कुछ फूल वाले लोग पेड़ यहाँ पर हम लोगों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है हमारे। हम ये कहेंगे कि किस तरह से उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया। हमें, हमारे को आज़ादी जो मिली, हमारे को अधिकार मिले, अधिकार के संग संग हमें कुछ फ़र्ज भी मिले, हमें जिम्मेदारियाँ मिली, हमारे कर्तव्य भी मिले। समय के संग हर आदमी को अपने अधिकारों को तो बोध है, अपने कर्तव्य फर्ज का बोझ भी होना चाहिए। और देश हमारा आगे बढ़े उसके लिए हमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम बहुत, हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत है। हम जिस किसी कार्य में हैं, अगर उस कार्य को पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, तो वो अपने आप में देश को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर मान लीजिए कोई चिकित्सक है, या कोई कर्मचारी है, कोई सफाई कर्मचारी है, या कोई व्यापारी है, या कोई ऑफिस का बाबू क्लर्क है, आप इमेजिन करिए कि वो भारत जिसका हर सदस्य, हर नागरिक पूरी निष्ठा से अपना काम कर रहा है, ऐसा भारत फिर किसी से पीछे रहेगा? तो मेरा मानना है कि अगर हर आदमी स्वयं का काम, जो किस कोई काम करता है, पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से, घंटे देख के ना करे, समय देके करे, अपना समय उसमें सर्वस्व दिखाए, तो निश्चित ही भारत दुनिया का अग्रणी राष्ट्र होगा। और शायद यही मैसेज हमारे आदरणीय मोदी जी दे भी रहे हैं, अपना 100% टाइम दे के। और हमें अगर उस दिशा में हम चलते हैं, अगर मान लीजिए हम आज एक क्लर्क हैं ऑफिस में, और क्लर्क का अगर आप टाइम पे उसका पूरा काम निपट रहा है, तो कोई काम पीछे रह जाएंगे? या कोई भी अगर मान लीजिए अधिकारी है, या मंत्री है, या कोई डॉक्टर है, या स्वीपर, सफाई कर्मचारी, किसी का मान लीजिए, हमें अपना सर्वस्व देना है इस भारत माँ को, तो हम किसी से पीछे नहीं होंगे। बस मैं यही कहूँगा सूक्ष्म में। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि गांधी जी ने एक मैसेज भी दिया था, चित्र के द्वारा भी मैसेज दिया कि गलत मत कहो, गलत मत सुनो, गलत मत बोलो। आपके ज़माने में क्या कहना चाहेंगे जो पहले? नहीं, वो सिद्धांत आज भी है। देखिए, बेसिक जो होता है किसी भी चीज़ का बदलता नहीं, वो सिद्धांत आज भी है कि ऐसा ना करें। और अगर आप खुद के लिए अगर अंदर से सच्चे हैं, समाज के लिए सच्चे हैं, तो निश्चित ही इस समाज को पता लगती है। देर सवेर आपका झूठ सामने आ जाता है, कुछ छुपता नहीं है आपका जो आड़...